दोस्तों, हाईवे से जाते जाते हमें ये गडरियों का जो समूह है वो देखिए, इस खेत में वो मिला। देखते हैं इनसे बात करके, ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। ये देखिए, हाँ, इसको बोलते हैं भेड़ों का रेवड़। आइए आइए, आ जाइए। कैसे हैं भाई? हाँ, क्या नाम है आपका? हेमराज। हेमराज गुजर। गुजर, अच्छा, ये सब अपनी है? अपनी। ये भेड़ पालन करते हैं आप? हाँ। और अब सुबह निकल जाते हैं इनको चराने के लिए? हाँ, सुबह निकल जाते हैं। हाँ हाँ, शाम को जाते हैं। अच्छा, ये सड़क पे तो नहीं चली जाएंगी? नहीं नहीं। तो दिन भर खेत में आप चरा के लाते हैं? ये बकरियां हैं? बकरियां। दूध भी देती होंगी? ये जो लंबा लट्ठा आप रखते हैं, बम्बुल के पात, ये है ना पातड़े पत्ते, उसको खिलाते हैं? उसको खिलाते जड़ा के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारा दिन धूप में दिक्कत होती होगी? दिक्कत तो होती है, पर मैंने तो करनी पड़ती है ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये पानी रखते हैं आप? हाँ, ऐसे पीने का, ये पीने के लिए पानी ऐसे रखते हैं। दोस्तों, भेड़ पालन का काम आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, तो मैंने तो करनी पड़ती है। हाँ, चलिए आपके साथ चलते हैं थोड़ी दूर, है इससे हो जाता है अपना गुजारा। हाँ, हम कमिंग जैसे बार बार कमाते हैं, तो जैसे साल भर के 1.5-2 लाख रुपए कमा लेते हैं इसमें। अच्छा, साल भर में 1.5-2 लाख आप कमा लेते हैं? कमा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छा है आपका गणित, और देश की जो इकोनॉमी है, अगर उसमें कोई सीए बैठ के देखेगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, कितनी लागत हो जाती है इसमें? तो लागत तो कुछ नहीं होती, जैसे सिर्फ ये मेहनत करना पड़ता है। हाँ, जैसे इसके लिए एक, इसको बूझने के लिए घर के अंदर एक जाली वाली का ये लगा देते हैं, उसमें बूझ जाती है। हाँ, और सुबह उठते जैसे 9-10 बजे, तो अब खाना वाना खा के इसको छोड़ के लेके आ जाते हैं, शाम को 6 बजे घर पे चल जाती है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब जैसे आप शुरुआत करते हैं, कितनी भेड़ों से करते हैं आमतौर पर शुरुआत? तो जैसे वर्ष 40-50 से, अभी तो हमारे पास 100-120 भेड़ हैं। ओके ओके, उसके बाद बढ़ जाती हैं फिर? हाँ। अच्छा, अब जैसे साल भर में जैसे दो बार बच्चे देते हैं। हाँ हाँ, तो साल भर में बढ़ती है। हाँ हाँ, ये पानी है यहाँ पे हाईवे के नीचे, नाला है, नाला है। हाँ। और यहाँ पे आप पानी पिलाते हैं इनको? बंदे का, जो बंदे में से पानी आता है ना। हाँ हाँ, नाला है। ये क्या पटेरा है? अरा, ये अरा। क्या बोलते हैं आप इसको? अरा। अरा, अरा बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, इसको खा लेती हैं बकरियां? नहीं, बकरियां नहीं खाती। ये नहीं खाती क्योंकि पानी पानी के उगने वाली, पानी में होता है, बकरियां नहीं खाती इसको। तो जैसे जानवर भैंस गाय वो खा लेती हैं। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पे इनको पानी पिलाते हैं? तो सैकड़ों बकरियां आपके पास हैं, आपने बताया था, जैसे कि फिर बढ़ जाती हैं वो बकरियां। हाँ, क्या क्या दिक्कतें क्या आती हैं सबसे ज्यादा? दिक्कत तो जैसे बीमारी आ जाती है, तो बीमारी में जैसे ये मर जाती है, और क्या से। अच्छा, बीमारी का बीमारी आती है वो जो मार पड़ती है। अब इसमें साल भर में जैसे 2-3 बार दवाई लगती है। हाँ हाँ, और 2-3 बार टीका लगता है इसमें सभी को। हाँ हाँ, को। हाँ। 4 महीने का हर बार टीका लगता है, दवाई देते हैं। अच्छा अच्छा, और इसके अलावा कोई दिक्कत आपको किस तरह की आती है? जो दिक्कत ये जैसे सर्दी में दिक्कत आती है, जैसे चराने के लिए जैसे फसल हो जाती है, तो फसल फिर काट के तो चराते हैं ना। हाँ हाँ, अब सर्दी में तो उस टाइम पे खेत खाली नहीं होते, खेत खाली नहीं होते हैं। हाँ। और फिर जैसे चारा लेके तो आते उस वक्त लिए। कैसे करते हैं फिर आप? जैसे नीम के पत्ते। हाँ। अब नीम की डालों को लेकर काट के लेके जाते हैं, तो नीम खुआते हैं इसको। अच्छा, तो पेड़ों के फिर आपको वो अवशेष आपको काट के, और जैसे गुआर का चारा। हाँ। और उड़द का, मूंग उड़द का चारा। हाँ। सोयाबीन का चारा, ये लेके आते हैं इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भेड़ व बकरी पालन भी एक व्यवसाय है, यहाँ का जीवन को चलाने का एक माध्यम है, और उसी को ये भाई कर रहे हैं। चलिए, आपने बात की, बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम राम साहब। तो दोस्तों, ये आपने देखा राजस्थान से जो हमारे भाई थे, ये भेड़ पालक, बकरी और भेड़ ये रखते हैं, और उनकी जीवन के पहलू क्या हैं वो शायद ही
कोई जान पाए। हमने कोशिश की उनसे बातचीत करके किस तरह से जीवन चलता है, वो उनके तमाम पहलू जानने की कोशिश की। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, हम टोंक सिटी से चले थे और धन्ना भगत के गांव में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें मिले ये भेड़ पालक और इनसे बात करने का दिल किया और हम इनसे बात करके अब वापस अपनी गाड़ी में और निकलेंगे आगे धन्ना भगत के गांव में। सफ़र संसार इसी तरह से जो हमारे भारतवासी हैं उनसे बात करने की कोशिश करता रहेगा, आपको तमाम पहलू दिखाने की कोशिश करते रहेंगे हम। बने रहिए सफ़र संसार के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।